हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्पोकन क्लासेस ऑफ सीजी शिक्षा। आई एम तरन्नुम, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम सीजी शिक्षा। एंड टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड अवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम योर वॉइस, एंड द टॉपिक इज अवर पास्ट सिंपल टेंस। आज के इस क्लास में हम वॉइस का फाइनली अब हम हमारा पास्ट सिंपल टेंस मीन्स पास्ट टेंस में से पास्ट सिंपल स्टार्ट करने वाले हैं। इसके प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स हमारा वॉइस का प्रेजेंट टेंस के तीनों फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोग पहले पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो मैं एक सजेशन दूंगी कि आप पास्ट से पहले पहले प्रेजेंट को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अपना पास्ट टेंस पढ़िएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा पास्ट सिंपल टेंस। ओके, इन द फॉलोइंग पास्ट टेंस द पैसिव कैन बी क्रिएटेड। आपको याद होगा कि हमने टेंस में, हम अभी वॉइस पढ़ रहे हैं, मैं बोली आपको टेंस, हमने टेंस के पास्ट टेंस में कितने फॉर्म पढ़े थे? यस, हमने फोर टाइप के पास्ट टेंस के फॉर्म पढ़े थे। अब वो फोर टाइप कौन कौन सा था आपका? पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड एट लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर है? और मैंने वॉइस के इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बताया था, अगर आपने वॉइस का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो पहले आप वॉइस पढ़ने से पहले वॉइस का इंट्रोडक्शन क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको वॉइस से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन या क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको वॉइस के इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ था कि वॉइस में, सॉरी, पास्ट टेंस में हमने फोर टाइप के फॉर्म उसके पढ़े थे, जिसमें का फोर्थ टाइप जो होता है हमारा कौन सा होता है आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका पेसिंग में चेंजेस नहीं होता। तो कितना बच गया हमारा? थ्री टाइप का टेंस। और यही तीनों टाइप हम क्या करते हैं, एक्टिव से पेसिंग में चेंज कर सकते हैं। वो तीनों कौन कौन से है आपका? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो फोर्थ टाइप मैंने क्या बोला, जो फोर्थ टाइप होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो पेसिंग में चेंज नहीं होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अगर स्टूडेंट आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले आप वॉइस का इंट्रोडक्शन क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिए। ओके, उसके बाद आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, इन तीनों के ही एक्टिव से पेसिव वाइज चेंज होते हैं। और हम वन बाय वन तीनों पास्ट सिंपल टेंस को भी पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को, इसको हम इंडिविजुअल क्लासेस में वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। सो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका पास्ट सिंपल टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम पास्ट सिंपल का क्या करेंगे, रूल पढ़ेंगे। सो द रूल इज सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका टेंस का रूल नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? वॉइस पढ़ रहे हैं। और जो टेंस का आपका सेंटेंस होता है वही आपका एक्टिवाइज होता है। और यहाँ पे जो रूल लिखा हुआ है वो किसका है आपका? पास्ट सिंपल को पेसी में जब हमको चेंज करना होगा तो जिस रूल की ज़रूरत होगी एग्जैक्टली ये वही रूल यहाँ पे मेंशन है। क्लियर है? और मैं आपको सारे वॉइस के सभी क्लासेस में बताती हूँ, आपको फिर से रिपीट करती हूँ मैं कि वॉइस बहुत इजी है, क्योंकि इसमें हमारे लिए कंफ्यूज होने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। क्योंकि सारे टेंस में हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के तीनों फॉर्म पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें भी आपको याद होगा तो हमने वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया था? उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया था। और आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं और पास्ट में हम सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ हो रहा है। और आगे भी जब हम पास्ट कंटिन्यूस पढ़ें, चाहे हम पास्ट परफेक्ट पढ़ें, फ्यूचर टेंस में पढ़ें, तो उसमें भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों की वॉइस मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो ये मैटर नहीं करता। वॉइस आप चेंज कर रहे हैं पेसिंग में, देन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए तो कन्फ्यूज होने वाला चीज़ ही हट चुका है, तो हम कन्फ्यूज़ किस में होंगे? हमको तो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब पता ही है। आप टेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो वॉइस में तो हमारे पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। तो फिर से रिपीट करते हैं, अफर्मेटिव में हमने क्या देखा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अभी मैं यूजेस ऑफ वॉज और वर्ब भी आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट करूंगी। नेगेटिव में क्या करना होता है हमको? नेगेटिव मीन्स नॉट। और वो नॉट कहाँ लगाते हैं आप? एग्जैक्टली हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद अगर आप नॉट लगा दिए, बन गया हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी एकदम रेडी। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वॉज वर्ब यहाँ पे क्या है आपका?
हेल्पिंग वर्ब है। मैंने क्या कहा अभी आपको कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमको नॉट लगाना होता है। दैट मीन्स कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमने नॉट लगा दिया, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम, पहले हम लिख देते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब को, देन सब्जेक्ट को, और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ हम लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, येस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क भी हमने लगा लिया। अब तो ये था हमारा अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का। हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी लिख लेते हैं, ओके। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है या फिर कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी क्या होता है आपका, बहुत ईजी होता है। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बस क्या करना होता है हमको, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना होता है, तो नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को भी एकदम से रेडी कर सकते हैं। और जो कि आपको हमेशा की तरह फिर से नोट गिवन है, नोट में क्या लिखा हुआ है, टू चेंज एनी एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस वी नीड टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जो कि मैं आपको हर एक टेंस के पैसिव वॉइस में आपको बताती हूँ कि हमको क्या करना होता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में। क्लियर है? अब मैंने कहा था आपको कि मैं यूजेज ऑफ वॉज और वर बताऊंगी आपको, तो हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ वॉज। वॉज किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ, यूज सिंगुलर नंबर के साथ आप वॉज का यूज करेंगे। सिमिलरली वर का यूज हम किसके साथ करेंगे, वर इज यूज्ड विथ प्लूरल नंबर, वर का यूज हम करते हैं प्लूरल नंबर के साथ में। क्लियर है? तो वॉज आप सिंगुलर के साथ करेंगे यूज, और वर का यूज हम करेंगे प्लूरल के साथ। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना क्या होता है, अगर ये कन्फ्यूज़न अभी भी है तो भाई आज इसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको नोट करवाती हूँ आज के इस क्लास में, फिर से हम नोट कर लेते हैं। जो बच्चों ने नोट नहीं किया है वो इसको पहले नोट कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए डाउट। आई किस में चेंज होता है स्टूडेंट्स, यस आई इज चेंजेस विद इन टू मी, वी इज चेंजेस इन टू अस, ही इज चेंजेस इन टू हिम, सी इज चेंजेस इन टू हर, और दे इज चेंजेस इन टू देम। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को यहाँ पे समझने से पहले यहीं पे एक बार हम अपना स्ट्रक्चर फिर से लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यही था हमारा स्ट्रक्चर। तो अब इस स्ट्रक्चर से मैच करते हुए हम हमारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ऊपर में गिवन है, ही हेल्प्ड अस, ये आपके पैसिव वॉइस का है, ही हेल्प्ड अस, उसने मेरा मदद किया था। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होगा भाई हमारे सब्जेक्ट में। तो देखते हैं सबसे पहले तो ही हेल्प्ड अस में देखिए आप, ही हेल्प्ड अस, इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ही है आपका सब्जेक्ट, और अस क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। और हम यहाँ पे देख चुके हैं जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अस किस में चेंज होता है आप इस बॉक्स से देखिए, वी में, ठीक है, और वी अस में, तो अस का अपोजिट क्या हुआ, वी, तो अस को हम लिख लिए यहाँ पे वी। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब में, वॉज और वर, और मैंने अभी आपको बताया कि वॉज आपका सिंगुलर और वर जो है आपका प्लूरल के साथ होगा।
वी मतलब हम, दैट मीन्स वी क्या आपका प्लूरल है, तो प्लूरल में मैंने क्या बोला आपको, वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हेल्प्ड का ये हेल्प्ड यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन जब पेस्यू में चेंज करेंगे तो किस में होगा वो आपका थर्ड फॉर्म में, तो हेल्प्ड का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म। देन आप देखिए यहाँ पे आपका है बाय, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय। देन उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किससे आएगा आपका, सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ही, और ही का किस में चेंज होगा बॉक्स से फिर से देखिए हिम में, तो ये हो गया हमारा चेंज। मीन्स क्या बन गया, ही हेल्प्ड अस, उसने मेरा मदद किया था। अब इसको हम लोग पेसिंग में क्या चेंज किए, वी वर्ब्ड हेल्प बाय हिम, हम उसके द्वारा मदद किए जा चुके थे। सिमिलरली जब इसका नेगेटिव चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमको बस नॉट लगाना है, वी वर नॉट हेल्प बाय हिम, वह हम उसके द्वारा मदद नहीं किए थे। सिमिलरली आप जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब पहले देन सब्जेक्ट, बाकी पूरा आपका सेम रहेगा। तो देख सकते हैं ये पहले आ जाएगा, ये बाद, वर्ब वी हेल्प बाय हिम, देन लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और अगर स्टूडेंट आपको इसी सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, सेम लिखना आपको इंट्रोगेटिव के जैसे, बस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वर वी नॉट हेल्प बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डॉक्टर्स ट्रीटेड पेशेंट्स, डॉक्टर मरीजों की इलाज करते थे। अब इसका पेशी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेशेंट्स वर ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, पेशेंट्स डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किए जाते थे। सिमिलरली नेगेटिव बनाएंगे तो दोबारा से कर इसको भी मैच करिए आप, सब्जेक्ट देन प्लूरल है तो वर, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय और देन ऑब्जेक्ट, पूरा हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैच हुआ। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वर के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव ही रेडी हमारा। पेशेंट्स वर नॉट ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, पेशेंट डॉक्टर के द्वारा ट्रीट नहीं किए जाते थे। वर पेशेंट्स ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, क्या पेशेंट्स डॉक्टर के द्वारा ट्रीट किए जाते थे। सिमिलरली इसका आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी खुद से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव खुद से लिखिए और यहाँ से मैच कर लीजिए, वर पेशेंट्स हमको क्या करना होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगाते हैं, देन बाकी का पूरा स्ट्रक्चर भी हमारा सेम होता है, तो हो जाएगा आपका ये वर पेशेंट्स नॉट ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। और लास्ट में फिर से इसमें भी क्या करेंगे आप, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस भी ये बिल्कुल प्रिपेयर होगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टीचर्स टॉट स्टूडेंट्स, टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, इसको भी आप चेंज करिए। पहले हर सेंटेंस में आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा इसको यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख देना है, इसका जो सब्जेक्ट होगा यहाँ ऑब्जेक्ट में लिख देना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट देन वर्ब थर्ड फॉर्म देन बाय देन ऑब्जेक्ट, ये भी हमारे स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच हो गया। दैट मीन्स स्टूडेंट्स वेयर टॉट बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स टीचर के द्वारा पढ़ाए जाते थे। सिमिलरली इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, स्टूडेंट्स वर नॉट ट्रीटेड टॉट बाय टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स के द्वारा नहीं पढ़ाए जाते थे। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, वर स्टूडेंट्स टॉट बाय टीचर्स, क्या स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाते थे। अब इसका आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वर स्टूडेंट्स नॉट टॉट बाय टीचर्स, क्या स्टूडेंट्स टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाए जाते थे। तो इस तरीके से आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी लिख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, We loved our country, हम अपने देश से प्यार करते थे। अब इसका जब हम पेसी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, then was, then verb third form, by, then object. Our country was loved by us, हमारा कंट्री हमारे द्वारा प्यार किया जाता था। और इसका नेगेटिव बनाइए आप, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, अवर कंट्री वॉज नॉट लव्ड बाय अस, हमारा कंट्री हमारे द्वारा प्यार नहीं किया जाता था। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वॉज अवर कंट्री लव्ड बाय अस, क्या हमारा देश हमारे द्वारा प्यार किया जाता था। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी लिख लेते हैं हम, वॉज अवर कंट्री, वॉज अवर कंट्री नॉट लव्ड बाय
बस क्या हमारा देश हमारे द्वारा प्यार नहीं किया जाता था? तो इस तरीके से आप हर एक सेंटेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव चारों फॉर्म्स अच्छे से और आसानी से बिल्कुल भी रेडी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज मैसन्स बिल्ट हाउसेस. मैसन्स हाउस घर बनाया करते थे. हाउसेज वर बिल्ट बाय मैसन्स. तो इसमें देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, देन प्लूरल था तो हमने वर्ब का यूज़ किया, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म का, देन बाय का, देन इसका जो सब्जेक्ट था इसका ऑब्जेक्ट बन गया. मीन्स हाउसेज वर बिल्ट बाय मैसन्स. हाउसेज मैसन्स के द्वारा बनाया जाता था और हाउसेज मैसन्स के द्वारा नहीं बनाया जाता था वो क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव. हाउसेज वर नॉट बिल्ट बाय मैसन्स. क्या हाउसेज मैसन्स के द्वारा बनाया जाता था? दैट मीन्स वर हाउसेज बिल्ट बाय मैसन्स. सिमिलरली इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव देख लीजिए आप. वर हाउसेज नॉट बिल्ट बाय. क्या हाउसेस मैसन्स के द्वारा नहीं बनाया जाता था? तो इस तरीके से हमने ये एग्जांपल भी समझ लिया. अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम. कारपेंटर्स मेड फर्नीचर्स. कारपेंटर्स फर्नीचर बनाया करते थे. दैट मीन्स फर्नीचर वॉज मेड बाय कारपेंटर्स. इसमें भी सब्जेक्ट, देन वॉज, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट. फर्नीचर वॉज मेड बाय कारपेंटर्स. फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जाता था. और अगर हम इसको नेगेटिव में ले तो फर्नीचर कारपेंटर के द्वारा नहीं बनाया जाता था. दैट मीन्स फर्नीचर वॉज नॉट मेड बाय कारपेंटर्स. सिमिलरली इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? वॉज फर्नीचर मेड बाय कारपेंटर्स. क्या फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जाता था? अगर हम इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा नहीं बनाया जाता था? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे अभी तक हमने बाकी के एग्जांपल्स को लिखा है सेम, और सब्जेक्ट के बाद में बस नॉट लगा के बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देना है आपको. और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है आपको. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल इज मैकेनिक्स रिपेयर्ड कार्स. मैकेनिक्स कार की मरम्मत करते थे. इसको भी पेसिव वाइज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्स वर रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स. कार्स मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर्ड किया जाता था. और जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कार मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर्ड नहीं किया जाता था. दैट मीन्स कार्स वर नॉट रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स. सिमिलरली इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? वर कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स. क्या कार मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर किया जाता था? अब इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप चाहेंगे तो बना सकते हैं. सिमिलरली हमेशा की तरह क्या करना है आपको? सब्जेक्ट के बाद में बस आपको नॉट लगा देना है. क्या कार मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर नहीं किया जाता था? तो इस तरीके से आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं. अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके. ये हैं आपके ही प्लेड फुटबॉल. ये आपके अफर्मेटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, ये इंट्रोगेटिव हैं, और ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव है. ये फर्स्ट एग्जांपल है आपका. देन यहाँ से हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड एग्जांपल. ये आपका अफर्मेटिव है, अगेन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, एंड एट लास्ट अवर नेगेटिव इंट्रोगेटिव. क्लियर? तो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए ही प्लेड फुटबॉल. वह फुटबॉल खेलता था. ही प्लेड फुटबॉल. तो क्या हो जाएगा इसका? फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम. फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता था. सिमिलरली ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल. वह फुटबॉल नहीं खेलता था. तो इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? फुटबॉल वॉज नॉट प्लेड बाय हिम. फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जाता था. डिड ही प्ले फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल खेलता था? पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? वॉज फुटबॉल प्लेड बाय हिम. क्या फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता था? और इसी तरीके से स्टूडेंट आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बिल्कुल रेडी कर सकते हैं. पता है ना आपको कैसे करना है? यस, आपको क्या करना है? वॉज फुटबॉल तो रहेगा ही, और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे आपको नॉट लगा देना, देन बाकी का पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा. अब इसको आप लोग ऑब्लिक मत समझ लीजिएगा, ठीक है? इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग बाद में कन्फ्यूज ना हो जाए. अब उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए आप. Did he not play football? Was football not played by him? अरे यहाँ तो लिखा ही हुआ है. Similarly, next example देखिए आप. She wrote a book. वह book लिख चुकी थी. Sorry, वह book लिखती थी. She wrote a book. वह book लिखती थी.
अब इसका हम चेंज करेंगे पेसी में तो क्या होगा, अ बुक वॉज रिटन बाय हर, बुक उसके द्वारा लिखा जाता था. सी डिड नॉट राइट अ बुक, वह बुक नहीं लिखती थी. अ बुक वॉज नॉट रिटन बाय हर, बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जाता था. डिड शी राइट अ बुक, वह क्या यह क्या वह बुक लिखती थी. वॉज अ बुक रिटन बाय हर, क्या बुक उसके द्वारा लिखा जाता था. एट लास्ट डिड सी नॉट राइट अ बुक, क्या वह बुक नहीं लिखा करती थी. वॉज अ बुक नॉट रिटन बाय हर, क्या वह बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जाता था. तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस का क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, मीन्स अफर्मेटिव में भी आप, नेगेटिव में भी आप, इंट्रोगेटिव में भी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी ईजिली चेंज कर सकते हैं. कुछ और एग्जाम्पल देखिए, ये आपका अफर्मेटिव है, देन अगेन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव एंड अवर लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव. अ केट ड्रंक मिल्क, जो बिल्ली दूध पीती थी. मिल्क वॉज ड्रंक बाय अ कैट, दूध बिल्ली के द्वारा पिया जाता था. अ कैट डिड नॉट ड्रंक मिल्क, बिल्ली दूध नहीं पीती थी. दैट मीन्स मिल्क वॉज नॉट ड्रंक बाय अ कैट, दूध बिल्ली के द्वारा नहीं पिया जाता था. सिमिलरली इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा आपका, डिड अ कैट ड्रंक मिल्क, क्या दूध बिल्ली पीती थी. वॉज मिल्क ड्रंक बाय अ कैट, क्या दूध बिल्ली के द्वारा पिया जाता था. एंड एट लास्ट डिड अ कैट नॉट ड्रंक मिल्क, क्या बिल्ली दूध नहीं पीती थी. That means was milk not drunk by a cat, क्या दूध बिल्ली के द्वारा नहीं पिया जाता था. इस तरीके से आप अगर नेगेटिव भी गीवन है, इंट्रोगेटिव भी गीवन है या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी गीवन है, किसी भी फॉर्म के सेंटेंस को आप पेसी में चेंज कर सकते हैं. बस आपको रूल पता होना चाहिए. कुछ और एग्जांपल्स देखिए आप असर्टिव सेंटेंस के, असर्टिव कहें या फिर इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या फिर इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. तीनों में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कभी आपको असर्टिव के नाम से आ जाता है, कभी अफर्मेटिव के नाम से आ जाता है, कभी पॉजिटिव के नाम से आ जाता है, या तो कभी इसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं. क्लियर? तो कुछ एग्जाम्पल है, ही रोट अ लेटर, वह लेटर लिखता था. दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा सेम सब्जेक्ट, देन वॉज, देन वर्ब थर्ड फॉर्म बॉय एंड ऑब्जेक्ट. वह लेटर लिखता था. अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, वह लेटर उसके द्वारा लिखा जाता था. दे न्यू इट, वह जानता था. इट वॉज नोन टू देम, वह उसके द्वारा जाना जाता था. सी सैंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती थी. अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर, वह गाना उसके द्वारा गाया जाता था. सिमिलरली ही लव्ड हिज फ्रेंड्स वेरी मच, वह अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था. His friends were loved very much by him. उसके दोस्त उसके द्वारा बहुत प्यार किए जाते थे. तो इस तरीके से हम assertive सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पेसी में. अब देखते हैं हम नेगेटिव को कैसे चेंज कर सकते हैं. सो सी डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी. दैट मीन्स नथिंग अबाउट इट वॉज नोन टू हर. अब इस तरीके का सेंटेंस आप नहीं पढ़े हैं, इसको हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. यू डिड नॉट लिसन टू मी, तुम मुझे नहीं सुन रहे थे, तुम मुझे नहीं सुनते थे. आई वॉज नॉट लिसन टू बाय यू, मैं आई वॉज नॉट लिसन टू बाय यू, मैं उनके द्वारा नहीं सुना जाता था. सी डिड नॉट राइट अ स्टोरी, वह स्टोरी वह कहानी नहीं लिखती थी. दैट मीन्स अ स्टोरी वॉज नॉट रिटन बाय हर, वह कहानी उसके द्वारा नहीं लिखा जाता था. जहाँ पे क्या आएगा आपका, बाय आएगा, के द्वारा. दैट मीन्स हम क्या पढ़ रहे हैं, पेस भी पढ़ रहे हैं. तो इस तरीके से आप नेगेटिव के भी एग्जाम्पल्स को ईजिली बना सकते हैं. एंड लास्ट अब हम क्या पढ़ेंगे आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डिड ही ब्रेक द विंडो, क्या उसने खिड़की तोड़ दिया था. दैट मीन्स Was the window broken by him? क्या वह खिड़की उसके द्वारा तोड़ी गई थी. Similarly, did anyone steal your purse? क्या किसी ने आपका पर्स चुरा लिया था. Was your purse stolen by anyone? क्या किसी के द्वारा आपका पर्स चुराया गया था. Did anyone hurt your feelings? क्या किसी ने आपके फीलिंग्स को हर्ट किया था. Were your feelings hurt by anyone? क्या आपका फीलिंग्स किसी के द्वारा हर्ट किया गया था. And at last, did allies invite you? क्या allies ने आपको invite किया था. That means, were you invited by allies? क्या आप allies के द्वारा invited किए गए थे. तो इस तरीके से students हम क्या कर सकते हैं, चाहे आपका assertive हो, negative हो, interrogative हो, आप negative interrogative भी आप change कर सकते हैं. जैसे कि हम इसी sentence का लेते हैं, हमको अगर negative interrogative बनाना है तो क्या हो जाएगा, same रहेगा, पूरा same रहेगा. बस हमको subject के बाद में not लगाना है, बाकी पूरा sentence आपका
और चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, जहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया दैट मीन्स वहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क श्योर फिक्स्ड है। तो इस तरीके से आप इजिली चेंज कर सकते हैं। एंड आई होप स्टूडेंट्स की सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टेंस के साथ। थैंक यू।